अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन अपराधी दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के चकनाहा पंचायत की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने मुखिया पति को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर मुखिया पति सह राजद नेता पप्पू सिंह यादव की गंभीर अवस्था में ग्रामीणों द्वारा नारायण मेडिकल अस्पताल जमुहार लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। गोली की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष राम निहोरा राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की जांच में जुट गई। चकनाहा के मुखिया पूनम देवी के पति को गोली मार दिया गया है, क्या मामला? हाँ, हमको भी फोन से जानकारी मिली कि अपने कार्यालय जिम्स से आवास पर जा रहे थे, इसी बीच में करीब में अज्ञात अपराधियों ने घात लगा के बैठे थे और उन्हें गोली मिली। इसके बाद अगल बगल के लोग आवाज़ सुन के आए और उन्हें तत्काल नारायण हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से रेफर होने के बाद बनारस। कितने बजे की घटना? घटना 10 बजे के आसपास की। क्या नाम हुआ आपका? रफीक अंसारी। रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।